एक बार की बात है, एक हिरनी कुछ सोचते सोचते जा रही थी। जैसे ही वह बागिनी के पास पहुंचती है, उसे ध्यान आता है कि वह अपने झुंड से काफी अलग हो चुकी है। वह सामने बागिनी को देख काफी डर गई थी। बागिनी उसे देख बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैंने अभी अभी काफी स्वादिष्ट भोजन किया है। यह सुनकर हिरनी शांत हो जाती है और बताती है कि मैं कुछ सोचते सोचते जा रही थी, तभी मेरे को ध्यान आता है कि मैं अपने झुंड से अलग हो चुकी हूँ। तब शेरनी बोलती है, बागिनी कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या सोच रही थी। तो ऐसे ही बातें करते करते वह काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वह रोज एक दूसरे के साथ ऐसे ही बातें किया करते थे और जाया करते थे घूमने। एक दिन की बात है, हिरनी अपने बच्चे को लेकर बागिनी के पास जा रही थी। बागिनी को देख हिरनी का बच्चा काफी डर चुका था, वह अपनी माँ के पीछे छुप गया। हिरनी उसे अपने बच्चे को देख बोलती है, बेटा डरो मत, ये मेरी दोस्त है बागिनी, और बोलती है बागिनी को कि बागिनी ये मेरा बेटा है। फिर वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं और बागिनी और हिरनी का बच्चा भी एक दूसरे के साथ खेलना भी शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वह काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हिरनी और बागिनी अलग बैठ के बातें किया करते थे और बागिनी का बच्चा और हिरनी का बच्चा एक साथ खेला करते थे। ऐसे कई दिन बीत गए, रोज ऐसा ही चला करता था और ऐसे ही कई साल बीत गए। हिरन और बाघ काफी बड़े हो चुके थे और अभी भी उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी और वो रोज कई बार खेला करते, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक समय आया जब बागिनी और हिरनी मरे। उस बात को बीते हुए काफी समय हो गया था और अब यह दोनों एक तरह से जंगल के राजा बन चुके थे। सभी लोग इनसे ही सुझाव लिया करते थे और इनको ही अपना राजा माना करते थे। पेड़ के पीछे छुपके से रोज इन्हें एक लोमड़ी देखा करती थी और इनसे काफी जलती थी। उसको पहले तो सिर्फ हिरन का मांस खाना था, लेकिन बाद में उसे उन दोनों की जगह भी चाहिए थी। तो एक दिन उसके शैतानी दिमाग में एक काफी ज्यादा शैतानी सुझाव आया। लोमड़ी अपनी चाल चलने के लिए पहला पड़ाव बाघ की तरफ बढ़ाती है। वह बाघ की तरफ जाके बोलती है कि महाराज महाराज, जैसे कि अब आपकी माँ नहीं रही तो हिरन आपको हराकर अकेला पूरे जंगल में राज करना चाहता है। यह सुनकर पहले तो बाघ ने विश्वास लोमड़ी पे नहीं किया तो और वह उस पे ना ध्यान देते हुए अपना आराम से लेट जाता है। लोमड़ी वापस चली जाती है। उसे देख बाघ को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वह माँ भूल जाता है, लेकिन वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लोमड़ी अपनी चाल का दूसरा पड़ाव बढ़ाती है और हिरन के पास जाकर कहती है कि मेरे प्रिय दोस्त हिरन, मैंने बाघ को यह कहते हुए सुना था कि तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें अपनी आपका बचाव करने के लिए बाघ की जरूरत पड़ती है। हिरन को यह बात सुनकर काफी गुस्सा तो आया, पर उसने अपने आप को शांत करके वापस अपना चारा चरने लग गया और लोमड़ी वहां से चली गई। लेकिन लोमड़ी ने उन दोनों के मन के अंदर शक पैदा कर दिया था। एक दिन हिरन और बाघ के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो गई तो बाघ ने अपने पंजे निकाले और हिरन पे चढ़ना शुरू कर दिया। हिरन ने भी अपने सींग नीचे करके लड़ाई पे घुस गया। दोनों की काफी देर तक लड़ाई होती रही। पहले तो कोई नहीं जीत रहा था क्योंकि वह दोनों ही शक्तिशाली थे, पर कुछ देर बाद वह दोनों हार गए और मर गए। तब लोमड़ी वहां आती है और जोर जोर से हंसती है और कहती है कि हा हा हा, तुम तो कितने बड़े मूर्ख हो, यह तो मेरी चाल थी, मैं तुम दोनों
दोनों से लड़ाई करवा के तुम दोनों को मरवाना चाहती थी ताकि मैं ही यहाँ राज कर पाऊँ। अब मैं यहाँ की रानी हूँ और मैं तुम्हारा गोश्त एक हफ्ते तक खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। तो इस कहानी का शिक्षक है कि हमें किसी के भी कहने में आके अपनी दोस्ती या फिर अपने दोस्तों में शक नहीं करना चाहिए। तो कहानी यही खत्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। शुक्रिया।